सेवा संस्थान में समाज सेवी चंदन वर्मा की टीम द्वारा कोरोना नामक वैश्विक महामारी के दौरान गरीब बेसहारा मजदूर वर्ग के व्यक्तियों को लॉकडाउन प्रथम व द्वितीय चरण में ग्राम मिश्रीपुर महिला खलचर की जलाल नगर गरियाना खिरनी बाग आदि स्थानों पर प्रत्येक भोजन मास्क आदि का वितरण किया, जिसके उपलक्ष्य में ग्रामोदय सेवा संस्थान के माध्यम से समाज सेवी चंदन वर्मा की टीम और समस्त कार्यकर्ताओं को धर्मशाला चौक में सम्मानित किया गया। यह गौरव सम्मान दिया गया कोरोना सम्मान 2020 के उपलक्ष्य में अभिनंदन पत्र वितरित करते हुए। चंदन वर्मा की टीम द्वारा जो कोरोना से ग्रस्त चल रहा है प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण के लिए जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें जो चंदन वर्मा की टीम ने जनपद शाहजहांपुर में गरीब लोगों को जो भोजन वितरण किया है, मास्क आदि वितरण किए हैं, बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए हमारी संस्था ग्रामोदय सेवा संस्था द्वारा आप सभी की टीम के कार्यकर्तागणों को सम्मान समारोह को देखते हुए प्रमाण पत्र वितरित किए गए हैं और उम्मीद करता हूँ कि चंदन वर्मा की टीम आगे तृतीय चरण में भी जनपद शाहजहांपुर के अंदर जहाँ पर भी आवश्यकता है भोजन वितरण करती रहेगी और दवाई मास्क आदि का उपलब्ध कराएगी। आपकी टीम ने सहयोग किया है पहले चरण में, दूसरे चरण में, और किस तरीके से आगे ऐसे चरण में कार्यक्रम चलता रहेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जब पहले चरण में लॉकडाउन हुआ था 21 दिन के लिए, तो पहले दिन तो कोई भी हमारे यहाँ से राशन वितरण नहीं हुआ था। जब हमने पहले दिन देखा लोगों को भूख से, दूसरे दिन से हमारे यहाँ सूखा राशन बटा, लॉकडाउन पार्ट वन में तीसरे दिन से हम लोगों ने भोजन बंटवा के लगातार बांटते रहे। लॉकडाउन पार्ट वन, लॉकडाउन पार्ट थ्रू टू, और जब लॉकडाउन पार्ट टू के बाद शाहजहांपुर सिटी हमारा खुला, लॉकडाउन थ्री तो कई शहरों में लगा, लेकिन हमारा साइकिल उसके बाद भी आज भी हम लोग 3-4 दिन से भोजन बांट रहे हैं। हमारे यहाँ से लगभग डेली 400 से 500 पैकेट वितरण होते रहे और हमारी टीम की यही कोशिश रही है कि शाहजहांपुर में जहाँ भी कोई भी भूखा परिवार मिला तो हमारी टीम ने वहाँ तक भोजन बंटवाया। आज हमारी टीम का भोजन वितरण का समापन है। ये सारे पैकेट हमारे लगे हुए हैं, आज हम इसको बांट के भोजन वितरण करके समापन करेंगे। जिन लोगों ने हमारी टीम को सहयोग दिया है तन मन धन से, उनका हमने यहाँ पे आज सम्मान समारोह किया। किस तरीके से मानते हैं आगे अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो आपकी सेवा कैसे चलती रहेगी? अगर लॉकडाउन आगे बढ़ता है तो हमारी चंदन वर्मा टीम से फिर एक बार कोशिश की जाएगी भोजन वितरण की। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।